विल्मा रुडोल्फ का जन्म टेनेसी शहर के एक गरीब परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उसे डबल न्यूमोनिया और काला बुखार ने गंभीर रूप से बीमार कर दिया। इनकी वजह से उसे पोलियो हो गया। वह पैरों को सहारा देने के लिए ब्रेस्ट पहना करती थी। डॉक्टर ने तो यह तक कह डाला था कि वह जिंदगी भर चल फिर नहीं सकेगी, लेकिन विल्मा की माँ ने उसकी हिम्मत बढ़ाई और कहा कि ईश्वर की दी गई क्षमता, मेहनत और लगन से वह जो चाहे कर सकती है। यह सुनकर विल्मा ने कहा कि वह इस दुनिया की सबसे तेज धाविका रनर बनना चाहती है। 9 साल की उम्र में डॉक्टर के मना करने के बावजूद विल्मा ने ब्रेस को उतार कर पहला कदम उठाया, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि वह कभी चल नहीं पाएगी। 13 साल की होने पर उसने अपनी पहली दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और सबसे पीछे रही। उसके बाद वह दूसरी, तीसरी, चौथी दौड़ में प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेती रही और हमेशा आखिरी स्थान प्राप्त करती रही। वह तब तक कोशिश करती रही जब तक वह दिन नहीं आ गया जब वह फर्स्ट आई। 15 साल की उम्र में विल्मा टेनेसी स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी गई, जहां वह एड टेम्पल नाम के कोच से मिली। विल्मा ने उन्हें अपनी यह ख्वाहिश बताई कि वह दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती है। तब टेम्पल ने कहा, तुम्हारी यही इच्छा शक्ति की वजह से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता और साथ में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। आखिर वह दिन आ गया जब विल्मा ने ओलंपिक में हिस्सा लिया। ओलंपिक में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में मुकाबला होता है। विल्मा का मुकाबला जूता हेन से था, जिसे कोई भी नहीं हरा पाया था। पहली दौड़ 100 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जूटा को हराकर अपना पहला गोल्ड मेडल जीता। दूसरी दौड़ 200 मीटर की थी। इसमें विल्मा ने जूटा को हराकर अपना दूसरा गोल्ड मेडल जीता। तीसरी दौड़ 400 मीटर की थी, रिले रेस थी, और विल्मा का मुकाबला एक बार फिर से जूटा से ही था। रिले में रेस का आखिरी हिस्सा टीम का सबसे तेज एथलीट दौड़ता है, इसीलिए विल्मा और जूटा दोनों को अपनी अपनी टीमों के लिए दौड़ की आखिरी हिस्से में दौड़ना था। विल्मा की टीम के 3 लोग रिले रेस के शुरुआती 3 हिस्से में दौड़े और आसानी से बैटन बदली। जब विल्मा के दौड़ने की बारी आई, उसके हाथ से बैटन ही छूट गई। लेकिन विल्मा ने देखा कि दूसरे छोर पर जूता हेन तेजी से दौड़ चली है। विल्मा ने गिरी हुई बैटन उठाई और मशीन की तरह ऐसी तेजी से दौड़ी कि जूता हेन को तीसरी बारी भी हराया और अपना 3रा गोल्ड मेडल जीता। यह बात इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। एक लकवाग्रस्त महिला 1960 के ओलंपिक में दुनिया की सबसे तेज धाविका बनी।